मंडे कैसे हो? अच्छे हो। तो क्या बनाओगे? आज मैं बनाऊंगी आपके लिए तड़का वाली पाव भाजी। तड़का वाली पाव भाजी? पाव भाजी एकदम मुंबई टाइप क्या? बॉम्बे टाइप। वाह वाह, ज्यादा वही पसंद करते हैं लोग। अच्छा अच्छा, बनाइए बनाइए। ठीक है, ओके। ना तो एकदम फ्रेश, ओके। पाँच हो के छः हो, उन लोग के सामने बना के हम लोग देते हैं। ये सही है, मतलब पहले तो हाँ, पहले तो मटर आ गए। मटर आ गए क्या? फिर आ गए थोड़े बहुत टमाटर। ओके ओके, ये हल्का शिमला आ गया। ऐसी मेकिंग मैं अभी तक मतलब किधर नहीं देखी है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। नहीं, नहीं नहीं तो बना के रखते हैं आधे लोग। हाँ, तो बना के रखते हैं, लेकिन मैं रेडीमेड नहीं बनाती हूँ। यहाँ पे फ्रेश कस्टमर के सामने ही बनाऊंगी। हल्का इसके ऊपर आएगा धनिया, धनिया धनिया के बाद आएगा हल्की हल्दी। हल्दी हाँ, हल्दी के बाद थोड़ा पानी। पानी अभी इसको घुलने में 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट लगेगा। हाँ। अभी ये 5 मिनट हो गए हैं। ओके, अभी ओके, इसको ओके है ना हल्का क्रश करेंगे। ओके, सब पक गए क्या एकदम? हाँ हाँ एकदम पक गए हैं। मिनिमम 5 मिनट, 5 मिनट में तो हो ही जाता है। ओके ओके, क्या बात। ये हो गए हैं एकदम घर पे बनाए थे ना, वैसे मेरे को लगता है वैसे ही होता है। घर की तरह ही पूरा सच्चे पूरा। हां अभी इसको निकाल दे। इधर आंटी भी प्यार से खिला दे एकदम प्यार से। थोड़ा इसको साफ कर लेंगे। ओके, अभी इसके अंदर आएगा ऑयल। ऑयल क्या? हां लहसुन का पेस्ट, थोड़ा ये स्पाइसी मसाला। चलेगा, मैं स्पाइसी खाते ज़्यादा। अभी इस पर लगेगा तड़का। तड़का लगेगा? वाह 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 आंटी एकदम अभी लगा ना मुंबई स्टाइल एकदम। हाँ, अभी इसके अंदर आएगी बात। फ्रूट कलर आएगा लेकिन नो टेंशन। ओके चलेगा, वो तो नॉर्मली सब डालते ही है। बहुत ही बढ़िया सुगंध आ रहा है। थोड़ा पाव भाजी मसाला। ये रेडी हो गई है पाव भाजी, रेडी हो। अभी अपने सर्व कर, पहले तो ऑनियन, टमाटर, आंटी अपने पास कितने टाइप्स के मतलब सब्जी देती है? मेरे पास पाव भाजी, पनीर पाव भाजी, चीज़ पाव भाजी, हैदराबादी पाव भाजी, पंजाबी पाव भाजी, ऑयल पाव भाजी। इसमें भी वैरायटीज है? हाँ हाँ, बहुत सारी वैरायटी आती है पाव भाजी में। आंटी कितने पाव आते हैं इसमें? इसमें 4 पाव। और मैं पाव देख रहा हूँ इधर है ना, पाव ऐसे
बहुत बड़े लंबे लंबे साइज में आते हैं। हाँ, सूरत में ऐसी होती है पाव भाजी लंबे लंबे, बॉम्बे में तो चौरस आते हैं लेकिन इधर ऐसे लंबे ही आते हैं पाव भाजी के। रेडी हो गई मेरी पाव भाजी। चार पाव आते हैं जो एकदम लंबे लंबे साइज के हैं, बस हम नींबू डाल लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। मेरा जो बटर था वो पिघल चुका है ऑलमोस्ट, चलो ट्राई करते हैं। बहुत ही बढ़िया, सच्ची में ऐसे बॉम्बे स्टाइल ही पाव भाजी है। और बहुत ही जो मसाले हैं उनके, जो घरों के मसाले हैं, बहुत ही बढ़िया है। और खाने में क्या लग रहा है, ऐसे स्ट्रीट साइड बैठ जाओ यहाँ पे और ये ले लो और इंजॉय करो। वाव, बहुत ही बढ़िया है, आप भी आके ट्राई कर सकते हो और एकदम घर जैसा टेस्ट है। तो मैं इसे फिनिश करता हूँ, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।